दोस्तों इस वीडियो में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीन इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूँ। तीन इंपॉर्टेंट नोटिस है एडमिशन से रिलेटेड, दाखिला से रिलेटेड, प्रवेश से रिलेटेड। तो चलिए आपको बताता हूँ ये तीनों नोटिस के बारे में। सबसे पहला नोटिस है कि जितने भी कैंडिडेट्स MBBS कोर्स में BDS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको रजिस्टर करना है MCC.NIC.in पे एज सून एज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड बाई MCC। यानी कि MCC ने अभी कोई नोटिस नहीं निकाला है लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पता चल गया है कि नोटिस तो निकलने वाली ही है। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेक्शन से ये नोटिस आ गई है कि आप लोग जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो MCC जो काउंसिलिंग कमिटी की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कर ले। पहला नोटिस है, देखिए दूसरा नोटिस देखिए। दूसरा नोटिस है कि बहुत सारे रिवाइज शेड्यूल आ गया है और बहुत सारे काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। तो यहां देख सकते हैं BA ऑनर्स का दूसरा रिवाइज शेड्यूल आया है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, दूसरा रिवाइज। तो दोस्तों बहुत सारे रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, आप लोग देख लीजिए कि आपका शेड्यूल कब है, आपके कोर्स का शेड्यूल कब है। तो रिवाइज शेड्यूल आ गया है, यह दूसरी बड़ी नोटिस है। तीसरी सबसे बड़ी नोटिस है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी PhD का कोई नोटिस नहीं आया लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम सेशन 2022 विल बी अवेलेबल सून, यानी PhD का फॉर्म भी निकलने वाले हैं। तो तीन नोटिस मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि पहला नोटिस है MBBS BDS से रिलेटेड जो कि काउंसलिंग करनी है MCC के वेबसाइट पे। दूसरा बड़ा नोटिस था कि बहुत सारा रिवाइज शेड्यूल आ गया है, बहुत सारा फ्रेश शेड्यूल भी आ गया है एडमिशन के लिए। तो काउंसलिंग शुरुआत हो चुकी है, आप अपने कोर्स का काउंसलिंग देख लीजिएगा, जल्दी से फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है कि PhD का कहीं भी नोटिस नहीं आ रहा है, ना ही BHU में ना ही जामिया में, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD का नोटिस आ गया है कि फॉर्म आने वाला है। तो तीन इंपॉर्टेंट नोटिस है, बाकी सेल्फ फाइनेंस का भी फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निकलने वाला है विद इन वीक में। AMU के क्लास 11th के सेल्फ फाइनेंस फॉर्म भी विद इन वीक में निकलने वाला है। तो चैनल पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी आपको आसान भाषा में TBIT के माध्यम से मिलेगा।